आधुनिक युग की इस भीड़ में शिवपुरी बाबा जैसे ईश्वर प्राप्त व्यक्ति का मिलना लगभग असंभव है। शिवपुरी बाबा का नाम काठमांडू के पास के पहाड़ के जंगल के नाम पर रखा गया है, जहां उन्होंने अपने जीवन के 137 वर्षों के अंतिम 37 वर्षों के दौरान निवास किया था। शिवपुरी बाबा का सन्यासी नाम श्री गोविंदानंद भारती है। शिवपुरी बाबा ने अपना अधिकांश जीवन पैदल ही यात्रा की। शिवपुरी बाबा पूरब के पहले आध्यात्मिक शिक्षकों में से एक हैं, जिन्होंने संपूर्ण विश्व का दौरा किया। उन्होंने अनेक देशों के नेताओं, प्रख्यात वैज्ञानिकों और आम लोगों से मुलाकात की, योग की शिक्षाओं और जागरूकता के प्रकाश को लेकर आए। यूनाइटेड किंगडम की महारानी विक्टोरिया उनके करीबी भक्तों में से एक थी, जिन्हें उन्होंने योग की शिक्षा दी थी। अपने जीवन काल के दौरान उन्होंने भारत, अफगानिस्तान, ईरान, यरूशलम, मक्का, तुर्की, ग्रीस, इटली, वेटिकन, इंग्लैंड, उत्तर और दक्षिण अमेरिका के देशों, कनाडा, अटलांटिक द्वीप समूह, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और चीन का दौरा किया। दुनिया भर की यात्रा करने के बाद वे नेपाल लौट आए। शिवपुरी बाबा का जन्म 1826 में दक्षिण पश्चिम भारतीय राज्य केरल में हुआ था। उनके बचपन का नाम जयंतन नंबूदरी पाद था। वे उच्च ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। बचपन में अपने माता पिता को खोने के बाद उनके दादा ने उनका पालन पोषण किया। उनके दादा दरबारी ज्योतिषी थे और अच्युतम के नाम से जाने जाते थे। ब्राह्मणिक रिवाज के अनुसार उनके दादा ने संन्यास लेने की इच्छा व्यक्त की। 18 साल की उम्र में सन 1844 में युवा जयंतन ने भी उनके साथ दुनिया को त्यागने का फैसला किया। उन्होंने एक वसीयत तैयार की और अपनी सारी संपत्ति अपनी जुड़वा बहन के नाम कर दी और जंगल में अपने दादा का पीछा करना शुरू कर दिया, जो एक सन्यासी का जीवन जीने के लिए तैयार हो चले थे। अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले ही उनके दादा अच्युतम ने अपने पोते को बताया कि उन्होंने हीरे और अन्य कीमती पत्थरों के रूप में एक बड़ी राशि अलग रखी है। दादाजी ने जयंतन से कहा कि उसे तब तक रखना जब तक तुम्हें ईश्वर का ज्ञान नहीं हो जाता। इसके बाद तुम भारत और संपूर्ण विश्व के पवित्र स्थानों की तीर्थ यात्रा करना। अपने दादाजी के अंतिम संस्कार की रस्म पूरी करने के बाद युवक जयंतन ने दक्षिण भारत में शंकर मठ से सन्यासी क्रम में दीक्षा प्राप्त की। उनका सन्यासी नाम गोविंदानंद भारती हुआ और वे नर्मदा नदी के जंगल में जाकर तपस्या करने लगे। वे केवल जंगली जामुन और जड़ वाली सब्जियों को खाते हुए तपस्या में गहरे चले गए। ऐसी कठिन और योग साधना 25 वर्षों तक चलती रही। जब वे 50 वर्ष के हुए तो उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ। वे ईश्वर प्राप्त आत्मा बन गए, बुद्धा हो गए। उन्होंने इस बारे में काव्यात्मक रूप में एक बात कही है, जिसका सार निम्नलिखित शब्दों में निहित है। भगवान एक प्रकाश की किरण की तरह आए और मेरे सभी सवालों के जवाब दे दिए। मेरी सारी समस्याएं हमेशा के लिए हल हो गईं। शिवपुरी बाबा ने मक्का का दौरा किया, जहां आज तक किसी भी हिंदू को जाने की अनुमति नहीं है। उन्होंने दुनिया भर में पैदल यात्रा करते हुए 50 साल बिताए। उन्होंने दुनिया के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया, जैसा कि उन्होंने अपने दादाजी से वादा किया था। उनकी यात्रा 1875 में भारत से शुरू हुई, फिर वे अफगानिस्तान से ईरान गए। ईरान में उनकी मुलाकात एक सूफी संत से हुई। इस संत की मदद से उन्हें इस्लामी धर्म की दरगाह मक्का में प्रवेश करने का अवसर मिला, जिस दरगाह में आज तक किसी हिंदू को जाने की इजाजत नहीं है। वहां बाबा को दर्शन करने की इजाजत मिल गई। ऐसा इसलिए हो सकता है कि उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया था। उनके लिए भगवान और अल्लाह एक ही थे। मक्का की तीर्थ यात्रा के बाद वे यरूशलम गए, जहां वे 1890 में ईसा मसीह को श्रद्धांजलि देने के लिए अंतहीन रेगिस्तान को पार कर गए। ये आश्चर्यजनक है कि बाबा ने उस समय यरूशलम पहुंचने के लिए रेगिस्तानी सड़क पर पैदल यात्रा की थी। बाबा ने दुनिया की लगभग 80% यात्रा पैदल ही की। 1896 में उन्हें महारानी विक्टोरिया के भारतीय सचिव मुंशी
अब्दुल करीम द्वारा इंग्लैंड में आमंत्रित किया गया। महारानी विक्टोरिया से उनकी 18 बार मुलाकात हुई। रानी विक्टोरिया पर शिवपुरी बाबा का बहुत प्रभाव था। वे भारतीयों के आध्यात्मिक जीवन में बहुत रुचि रखती थीं। रानी अपने पति की मृत्यु के बाद मृत्यु का रहस्य जानने के लिए उत्सुक थी। रानी विक्टोरिया बाबा से अपनी मृत्यु तक ब्रिटेन न छोड़ने का आग्रह करती रहीं। शिवपुरी बाबा रानी विक्टोरिया के योग शिक्षक भी बने। महारानी विक्टोरिया के अनुरोध पर शिवपुरी बाबा उनकी मृत्यु तक इंग्लैंड में रहे। वह ब्रिटिश द्वीपमय में बिलिंगसन परिवार के साथ रहते थे। उसी समय उनका परिचय एक ऐसे युवक से हुआ जिसने बाद में बाबा को नेपाल लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिवपुरी बाबा पर रूसी लेखक लियो टॉलस्टॉय का जबरदस्त प्रभाव था। रूस की अपनी यात्रा के दौरान वे मॉस्को में इस लेखक के साथ रहे। एक महीने के दौरान लियो टॉलस्टॉय को भी बाबा से बहुत लगाव हो गया। लियो टॉलस्टॉय शिवपुरी बाबा को जाने नहीं देना चाहते थे। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि शिवपुरी बाबा को बिना उन्हें बताए चुपके से वहां से भागना पड़ा। 1901 में महारानी विक्टोरिया की मृत्यु के बाद बाबा ने अपना विश्व भ्रमण फिर से शुरू किया। वह अटलांटिक महासागर को पार कर अमेरिका पहुंचे। संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंचने के कुछ समय बाद ही उन्होंने राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट से मुलाकात की। 1904 में वह संयुक्त राज्य अमेरिका से दक्षिण की ओर चले गए। मैक्सिको पहुंचकर उनकी मुलाकात पुराने तानाशाह पोर्फिरियो डियास से हुई। फिर बाबा एंडीज पर्वत की ओर चल पड़े, जिसे दक्षिण का हिमालय कहा जाता है। उन्होंने दक्षिण अमेरिका में कोलंबिया और पेरू के ऊंचे इलाकों का भी दौरा किया। दक्षिण अमेरिका के बाद वे 1913 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के रास्ते जहाज से जापान पहुंचे। बाबा चीन और नेपाल के रास्ते जापान से भारत लौटे। वे कुछ समय तक मदन मोहन मालवीय के साथ बनारस में रहे। पंडित मदन मोहन मालवीय तब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए धन उगाहनी के अभियान पर थे। शिवपुरी बाबा ने पंडित जी की मदद के लिए 50,000 रुपए दिए। उन्हें विश्वविद्यालय का कुलाधिपति बनने का ऑफर दिया गया, लेकिन बाबा ने यह कहकर इनकार कर दिया कि एक सन्यासी को किसी पद पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है, और वह अपने जन्म स्थान वापस चले गए। लगभग 80 साल बाद वे अपनी मातृभूमि वापस लौटे थे। इस दौरान वहां महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। उनकी बहन, जिसे उन्होंने सारी संपत्ति सौंप दी थी, वह पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने बाकी बची सारी संपत्ति गरीबों को बांट दी। उनके दादाजी की एक और भविष्यवाणी सच हो गई, जिन्होंने कहा था कि उनके पोता और पोती के समय तीसरी पीढ़ी में ही उनका खानदान समाप्त हो जाएगा। अपने कर्तव्यों को पूरा करके वे नेपाल आए और अपने शरीर को छोड़ने तक वहीं रहे। 11 फरवरी 1926 को महाशिवरात्रि के शुभ दिन उन्होंने नेपाल में प्रवेश किया था। 1900 के दशक की शुरुआत में शिवरात्रि के दौरान नेपाल जाने वाले सभी विदेशियों को नेपाल के कानून के अनुसार अपने प्रवास के 7 दिनों के बाद वापस लौटना होता था, लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर जाने वाले कई संत और साधु आमतौर पर सरकार के इस नियम की अवहेलना कर देते थे। शिवपुरी बाबा को भी पुलिस ने सूचित किया कि उन्हें नेपाल छोड़ना पड़ेगा। बाबा ने मान लिया तो उनकी मुलाकात युवा विलिंगसन से हुई, जिसके परिवार के साथ वे ब्रिटेन में रह रहे थे। वह युवा विलिंगसन अब नेपाल में राजदूत था। उसी राजदूत के प्रयासों से गोविंदानंद भारती को काठमांडू में शिवपुरी की पहाड़ियों में रहने की अनुमति दी गई। इस पर्वत पर रहने के कारण वे शिवपुरी बाबा के नाम से विख्यात हो गए। बाबा को अपनी मृत्यु के 30 साल पहले अपने मुंह के कैंसर का पता चला। वे शिवपुरी से कीर्तेश्वर में एक छोटी सी झोपड़ी में रहने चले गए, जहां उन्होंने प्राण और जीवन ऊर्जा से संबंधित एक प्राचीन योग अभ्यास द्वारा अपना उपचार शुरू किया। कुछ समय बाद वे बिल्कुल ठीक हो गए। योग साधना से उन्होंने अपने स्वयं के कैंसर को ठीक कर लिया। लगभग 30 साल बाद 1963 में होश पूर्वक उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। उनके भक्त ने वहां एक लकड़ी की झोपड़ी का निर्माण शुरू कर दिया, जो आज बाबा की समाधि के रूप में मौजूद है।
अपनी महासमाधि से एक साल पहले बाबा ने अपने भक्तों को बताना शुरू कर दिया था कि वे समाधि लेंगे। उनका कर्तव्य समाप्त हो गया है। उन्होंने 137 वर्ष की आयु में 28 जनवरी 1963 को अपना शरीर छोड़ दिया। वह अपने बिस्तर से उठे, एक गिलास पानी पिया और कहा, ईश्वर का भजन करो। फिर अपने दाहिने हाथ से अपने सिर को सहारा देते हुए लेट गए। उनके अंतिम शब्द थे, मैं जा रहा हूँ। शिवपुरी बाबा के पास महान शक्तियाँ थी, लेकिन उन्होंने कभी सिद्धि प्रदर्शन नहीं किया। वे एक सामान्य मनुष्य की तरह विनम्र बने रहे और प्रकृति के नियमों का पालन करते रहे। एक रात उनकी शिवपुरी वाली झोपड़ी में एक योगी आश्रय लेने के लिए उनकी कुटिया में आया। बाबा जी ने अपने कार्यवाहक माधव से योगी के लिए खाना बनाने को कहा, लेकिन ना तो अन्न था ना दाल थी। तब बाबा ने माधव से आग जलाने को कहा, लेकिन सारा जंगल गीला था, लकड़ियाँ गीली थीं। बाबा ने लकड़ियों को छुआ और गीली लकड़ियाँ सूखी लकड़ियों की तरह जलने लगी। उन्होंने खाली बर्तन आग पर रखकर ढक्कन रख दिया। जब ढक्कन हटाया तो बर्तन खिचड़ी से भर गया था। खिचड़ी को उस योगी को खिलाया गया जब तक कि वह संतुष्ट न हो गया। योगी के जाने के बाद उन्होंने अपने कार्यवाहक माधव से कहा कि उन्होंने बड़ी भारी गलती की है और प्रकृति के नियम को तोड़ा है। बाबा कहते थे कि यदि आप पूरे दिन में एक प्रहर यानी 3 घंटे के लिए निरंतर ईश्वर का चिंतन और ध्यान करते हैं तो आपके सामने ईश्वर का उज्जवल प्रकाश प्रकट होता है। ऐसा करने का अभ्यास करेंगे तो आपके जीवन की अन्य सभी कठिनाइयाँ गायब हो जाएंगी।